ये देखिए कोई लड़ भी रहा है। अरे अरे इनके पास टिकट भी है भाई। कैसा मतलब क्या लग रहा है, टिकट लेके आप लोग खड़े हो? एक आदमी सोया हुआ है इधर, यहाँ से वहाँ तक सब लोग सोया हुआ है। ये रात को 1 बजे है। कैसा लग रहा है भाई खाना पीना? अच्छा है। कैसा सीन है, आप जा ही नहीं सकते हाथ वाथ धोने के लिए बिकॉज अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है थोड़ी देर में। और एक बार आप प्लेटफॉर्म का नज़ारा देखिए, पब्लिक देखिए कितने लोग हैं महानंदा एक्सप्रेस के लिए। अपनी महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और ये रिवर्स में लाया जा रहा है ट्रेन को। और एक बार ये देखिए आप आबादी, पूरी ट्रेन मुझे लग रहा है यहीं पर पैक हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज की जर्नी काफ़ी स्पेशल होने वाली है और जो आपके भाई का ट्रेन है वो महानंदा एक्सप्रेस है, जो कि पुरानी दिल्ली से अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल के लिए चलती है। ट्रेन पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लग चुकी है। 7:35 डिपार्चर टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 7:21, अभी डिपार्चर होने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए भाई इसका डिपार्चर देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये महानंदा एक्सप्रेस का जो नाम रखा गया है, ये जो महानंदा नदी है जो बिहार बंगाल और बांग्लादेश में बहती है, तो उसी के नाम पे इस ट्रेन का नाम महानंदा एक्सप्रेस रखा गया है। तो आइए आज महानंदा एक्सप्रेस को एक्सप्लोर करते हैं। और मेरा एक्चुअली टिकट क्या था, स्लीपर का था। मैंने स्लीपर में बुक किया था ऑनलाइन, सीट कन्फर्म नहीं हो पाया तो वो ऑनलाइन वेटिंग टिकट कैंसिल हो गया है। अब फिर से मैंने दूसरा टिकट बनवाया है। तो आइए अब इसका डिपार्चर देखते हैं महानंदा एक्सप्रेस का। टिकट है अभी बनवाया मैंने आपका। सुबह के 7:40 पे अपनी महानंदा एक्सप्रेस का पुरानी दिल्ली से डिपार्चर हो चुका है। अभी जस्ट ट्रेन डिपार्चर ही हुआ है और वाशरूम वगैरह की स्थिति ना काफ़ी गंदा है, काफ़ी गंदा वाशरूम है। पूरे फर्श पे पानी वगैरह पूरा जमा हुआ है। आइए एक बार आपको मैं वाशरूम दिखाता हूँ महानंदा एक्सप्रेस का, कितना इसका लो मेंटेन किया गया है इस ट्रेन को। ये मिरर पूरा लटका हुआ है इधर, ये सब भी खुला हुआ है। बाकी ये देख रहे हैं डब्बे की हालत, अब फर्श पे पूरा पानी गिरा हुआ है। अगर मैं लैट्रिन आपको दिखाऊँ, ये देख लीजिए आप, हालत बहुत बहुत गंदा है, इसे ज़्यादा दिखाई नहीं सकता मैं। सारी ये मोर बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ। अपार्टमेंट इनका डेंजर खुला हुआ है, कोई नहीं है देखने वाला। दिल्ली सहादरा जंक्शन, यहाँ पे भी इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे पैसेंजर तो काफ़ी हैं, काफ़ी पैसेंजर वेट कर रहे हैं इस ट्रेन के लिए।
आगे जनरल कोच है, और जनरल कोच में देखिए भाई चढ़ने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली सहादरा जंक्शन। यहाँ पे 7:51 का टाइम था, लेकिन 7 मिनट डिले आई है। अभी तक सिर्फ 6 किलोमीटर ट्रेन कंप्लीट किया है। बाकी ये जो सहादरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो दिल्ली रिंग रेलवे की सर्विसेज है वो ऑपरेट की जाती है, जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है लोकल, ये सारे यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं लगभग। सहादरा 4 प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और बाकी अपना अभी 2 मिनट में डिपार्चर होने वाला है। ठीक 2 मिनट में दिल्ली सहादरा से डिपार्चर हो चुका है अपने ट्रेन का। अब इसके बाद जो इसका स्टॉपेज है गाजियाबाद में है। शिवगंगा एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल, अभी जस्ट हमने सहीबाबाद स्किप किया है क्योंकि यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं था। अब अगला आने वाला है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में इस ट्रेन का स्टॉपेज है। ट्रेन पहुँच चुकी है अपनी गाजियाबाद जंक्शन पर। और एक बार यहाँ पे देखिए जनरल कोच में पब्लिक कितनी है चढ़ने के लिए, पहले से ही जनरल कोच फुल है। बाकी देखिए यहाँ पे 2 मिनट का इसे स्टॉपेज है गाजियाबाद में। ये देखिए हालत जनरल का, भाई साहब थोड़ा सा भी जगह नहीं है अंदर, पता नहीं कैसे ये लोग। ये देखिए जबरदस्ती अंदर ठेला जा रहा है, ये हाल है भाई जनरल कोच का। ये देखिए कोई लड़ भी रहा है, अरे अरे चढ़ने के लिए मारा मारी धक्का मुक्की। 20 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है गाजियाबाद। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है, बाकी आपने अभी देखा जनरल का हालत कैसा है। गाजियाबाद कानपुर के बाद यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल सिटी है। गाजियाबाद से डिपार्चर हो चुका, लेकिन इतने सारे पैसेंजर जो रह गए ये चढ़ नहीं पाए, इनका जनरल में टिकट था। आप लोग चढ़ नहीं पाए ना? हाँ वो लोग नहीं चढ़ पाए। स्लीपर कोच में काफ़ी लोग बिना टिकट के या जनरल टिकट लेके चढ़ गए। अभी टीटी सर आए हैं, अब दिखाते हैं हम आपको ये कैसे इन लोगों से फाइन कर रहे हैं। स्लीपर कोच ये पूरा खचा खच भरा हुआ है, देखिए कितने लोग इसमें वेटिंग वाले हैं जिनका सीट कंफर्म नहीं हुआ है। अलीगढ़ के बाद जाइए। हाँ साइड होना भाई, आपका आधा घंटा बैठ जाए अलीगढ़ तक। एक बार स्लीपर में पब्लिक देखिए कितना गेट पे भरी हुई है भाई। लगभग 36 मिनट की डिले से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है खुर्जा जंक्शन। यहां पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये बुलंदशहर ज़िला में आता है खुर्जा। बाकी अपनी जो ट्रेन है महानंदा एक्सप्रेस दिल्ली से अलीपुर द्वार के लिए ये रोज़ाना है। खुर्जा 5 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सिर्फ 2 लाइनें जाती है, एक तो दिल्ली मेरठ के लिए और दूसरा खुर्जा अलीगढ़ के लिए लाइन्स यहाँ से निकलती है। यहाँ पे अपना 2 मिनट का हॉल्ट है, चलते हैं अंदर। अब थोड़ा ठंड अब थोड़ा कम हुआ, दिल्ली में तो एकदम कनकनी सा लग रहा था। इधर बैठे हो आप लोग, खुर्जा से डिपार्चर हो चुका है अपने ट्रेन का। मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी सीट पर बैठा हूँ।
इधर बैठा हूँ, उधर बैग लटका हुआ है, तीन लोग बैठे हैं सीट पे, भाई के साथ एडजस्ट किए हैं। तो क्या शाहरुख खान बन जाए तो नहीं चालीस मिनट की डिले से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़। अलीगढ़ एक ज़िला भी है उत्तर प्रदेश का। यहां पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अलीगढ़ में टोटल प्लेटफॉर्म 7 प्लेटफॉर्म है। और लाइंस की बात करें तो यहां से 3 लाइन गई हुई है, एक तो कानपुर दिल्ली के लिए, कानपुर आगरा के लिए और कानपुर गया के लिए। अलीगढ़ से 3 लाइन निकलती हैं। बाकी चलिए डिपार्चर का हॉर्न हो चुका, चलो चलो चलो। दो मिनट में अलीगढ़ से डिपार्चर हो चुका है अपने ट्रेन का। काफी लोग स्लीपर में अंदर आ गए हैं, इनको जनरल में जाना था और अचानक ट्रेन खुल गई तो पूरा स्लीपर अभी देख लीजिए एकदम खचाखच भरा हुआ है। ट्रेन के अंदर पेंट्री भी है, गर्म पानी खौला के दिया है भाई चीनी डाल के। ट्रेन में पेंट्री कार है लेकिन खाने के लिए अभी तक कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं कुछ बिक रहा है, सिर्फ चाय, समोसे या फिर बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, यही 4 चीज बिक रहा है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ खाने के लिए मिले ट्रेन में, लेकिन ट्रेन के अंदर कुछ भी नहीं बिक रहा है, सिर्फ चाय समोसे। अभी 11:30 बजने वाला है, थोड़ी देर और देखते हैं, क्या पता 12 बजे के बाद से ये लोग खाना सर्व हो या फिर अंडा बिरयानी वगैरह कुछ तो बेचे ये लोग। जनरल का हाल तो बहुत बुरा है भाई साहब, बहुत बुरा है जनरल का हाल। हल्का सा भी जगह नहीं है, एक एक सीट पे 5-5 लोग बैठा हुआ है। पूरे 23 मिनट की डिले से ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी टुंडला जंक्शन। ये फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आता है और जो टुंडला जंक्शन है ये एक टेक्निकल स्टॉपेज है हर ट्रेन का, जो कि जो भी दिल्ली लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले लाइन पे जो भी लखनऊ वाली जो भी रूट से ट्रेन आती है तो वहाँ पे, यहाँ पे टुंडला में इसका गार्ड, ड्राइवर या स्टाफ जो भी हैं वो सारे चेंज किए जाती है। बाकी यहाँ पे अपना स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का है और एक तो इंजन के 2 को छोड़ के ही अभी S1 में मैं बैठा हूँ। खाने वाने के लिए सिर्फ समोसे, चारों साइड समोसे की आवाज़ आ रही है आपको। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ समोसे मिल रहे हैं। टुंडला से डिपार्चर हो चुका है। इटावा में भी काफ़ी पैसेंजर है इस ट्रेन का। किलोमीटर की जर्नी करके ट्रेन इटावा पहुंच गई है। इटावा एक उत्तर प्रदेश का जिला है। बाकी एक बार ये देखिए जनरल की हालत,
जनरल का तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब। इटावा में सिर्फ 2 मिनट का ही अपनी ट्रेन का स्टॉपेज है। इटावा में 5 प्लेटफॉर्म है, अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। चलिए चलते हैं ट्रेन में। अब जनरल कोच में ना बहुत पब्लिक है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई साहब ये स्लीपर का हाल है, सब लोग इधर भी खड़ा है। अब इधर भी देखो, इधर भी यही हाल है, सब लोग खड़ा है। इसके आगे उधर जनरल का कोच है, लेकिन उधर जगह ही नहीं है जाने के लिए, पूरा स्लीपर भरा हुआ है इसी में। दिल्ली से इटावा निकल गया है भाई, खाने वाने के लिए ट्रेन में तो कुछ नहीं आया, सिर्फ चाय समोसे। कुछ में तो खाना जल्दी आ नहीं रहा था, तो फिर पेंट्री कार में आया हूँ। यहाँ पे मिल लिया हूँ, चावल है, पनीर का सब्जी है, दाल है, एक और एक्स्ट्रा चावल दिया गया है। बाकी अंदर भैया गए हैं रोटी लाने, अभी रोटी लेके आते हैं, फिर बताते हैं खा के कैसा टेस्ट है इसका। बाकी भाई लोग भी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई खाना बिना? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, चलिए खा के देखते हैं। स्लीपर में भीड़ देख रहे हो कितना है। तीन बज के 20 मिनट पे अपनी ट्रेन आ चुकी है कानपुर सेंट्रल। लगभग ट्रेन अपनी चल रही है 34 मिनट की डील है, और यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। काफ़ी दिन बाद आज कानपुर दिन में शूट कर रहा हूँ, और एक बार आप ये देखिए जनरल का नज़ारा, बहुत पब्लिक है भाई साहब। कानपुर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लेदर का कारोबार होता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कानपुर का ही लेदर है। और यहाँ पे लगभग सत्रह हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। बाकी यहाँ पे लग रहा है अपने कैप्टन साहब चेंज हुए हैं, ट्रेन के पायलट साहब। बाकी अभी तक 435 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, चलते हैं अब अंदर क्योंकि अब डिपार्चर भी होगा। कानपुर से डिपार्चर हो चुका है भाई। अब सबका क्या टिकट नहीं है क्या है, या जनरल का टिकट है, वेटिंग का टिकट है, कितना मेरा पास सबके लिए कितने कितने करके लिया? मेरा तो वहीं पे लिया, पुरानी दिल्ली में। तो तुमको टिकट दिया होगा ना? टिकट दिया है ना ये, तो फिर क्यों परेशान हो? सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस एक जा रही है, एक आ रही है, एक से हम लोग जा रहे हैं, दूसरी आ रही है, ये देखिए दोनों कानपुर में ही मिले हैं।
ये स्लीपर का हाल है, गेट तक जाने में हालत खराब हो जाएगी। पाँच बज के एक मिनट हो रहा है और ठंड एकदम हम चरम सीमा पे आ गया यूपी में। अभी से ही लगा है कनकनी सा हवा बहने, अब थोड़ी देर में सबका गेट चकला सब बंद हो जाएगा। सामने जनरल कोच है लेकिन ये स्लीपर का कोच है, ये भी पूरा भरा हुआ है। ये देखिए इसका रीजन ये है कि ट्रेन में जनरल कोचेस कम लगाए गए हैं, एक आगे के साइड लगा है, दो पीछे के साइड। इस चक्कर में यहाँ से वहाँ तक सारे पैसेंजर दिए गए जनरल में जाना था, सारे स्लीपर में। हर स्लीपर कोच का यही हाल है। भाई पानी बोतल कैसे? 20। और वो जूस मैंगो वाला 40। कटर जो है वो 20 रुपए का है और बाकी किचन जितने भी हैं ये सारे 10 रुपए के हैं। आपको करीब से दिखा देता हूँ मैं। खाना भैया आप लोग रात में खाना आएगा? क्या है भाई खाने में? सादा है, नॉन वेज अंडा है, सादा है, चिकन है, क्या खाएंगे? चिकन 150, अंडा 130। खाने का सिर्फ बिल सुनिए, कैसे कैसे बिल ये बता रहे हैं भैया। अंडा बिरयानी है, अंडा खाना है, बिरयानी नहीं। अंडा कैसे है? अंडा 130। खाना हम ही लगाएंगे, कोई बाहर बुलाएगा देने के लिए मत लीजिएगा ना, भूल भूल के देंगे। अपनी ट्रेन पहुंच गई है प्रयागराज 6:37 पे। पानी। भाई पूरे एक घंटा डिले ट्रेन पहुंची है अपने प्रयागराज। और अभी आपने अंदर देखा ना, वो पेंट्री वाला कैसे खाना बेच रहा था। 90 रुपए का अंडा थाली 130 रुपए में, 15 का पानी बोतल 20 रुपए में। ये लोग मनमानी चार्ज करते हैं पैसे, जो रेलवे ने लिस्ट बना के दिया है वो ये फॉलो नहीं करते। बाकी यहाँ पे प्रयागराज में काफ़ी कुछ मिल रहा है खाने के लिए, देखता हूँ कुछ लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है ट्रेन का। भाई यहाँ पे सिर्फ छोले पूरी मिल रहा है, समोसे मिल रहा है, चाय मिल रहा है और अमरूद मिल रहा है। मैं कब सोच रहा हूँ अंडा बिरयानी खाने का, अंडा बिरयानी मिल नहीं रहा है। अभी जस्ट ये अंडा चावल लेके आया हूँ, 50 रुपये में दिया है। अब देखते हैं खा के कैसा टेस्ट है, पकड़ने में तो भी ठंडा फील हो रहा है, देखते हैं खा के कैसा है। ठंडा भात था एकदम, और अंडा खा के जा रहे हैं हाथ धोने। और एक बार दिखाते इधर का सीन कैसा है, अगर आपको बेसिन यूज करना हो तो कुछ ऐसा सीन है। अब जा ही नहीं सकते हाथ वाथ धोने के लिए, बिकॉज ट्रेन में जनरल कोचेस कम लगे हुए हैं। ये देखो हाथ भी तो आप धो ही नहीं पाओगे। प्रयागराज से काफी पहले डिपार्चर हो चुका है, कुछ भाई लोग रुके हैं और ये काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं। इनके पास टिकट भी है। भाई कैसा मतलब क्या लग रहा है, टिकट लेके आप लोग खड़े हो क्यों? वेटिंग में टिकट था, कैसा था, क्या सीन था? अच्छा जनरल बोगी की कमी है, लेकिन तुम्हारे पास तो स्लीपर की टिकट है ना, अभी दिखाया तुम लोगों ने। बाकी इन लोगों का क्या, जनरल का है? अब बेसिन उसिन का क्या हाल है, देखे हो? गमक रहा। अरे मतलब बेसिन में लोग वोमिटिंग वगैरह कर दिया है जब से दिल्ली से गाड़ी चली है, और अभी तक इसका क्लीनिंग तक नहीं हुआ एक भी बार। ट्रेन आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, पूरे 1:10 की डिले से। लेकिन मैं भी आपको बाहर से नहीं दिखा सकता क्योंकि रीजन क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे एक आदमी सोया हुआ है इधर, यहाँ से वहाँ तक सब लोग सोया हुआ है, और मैं उनको ठंड में तकलीफ नहीं देना चाहता। तो आपसे मिलते हैं अगले स्टॉप पे। यार स्लीपर का ना बहुत बुरा हाल है यार, आप देखिए पब्लिक कैसे टिकट खरीदने के बाद भी फर्श पे लेटी हुई है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ये लोग फ्री में डिलीवर कर रहा हो।
सबने पे किया है यहाँ पे, तब भी देखिए क्या सुरक्षा है यार ठंड में। लगभग अभी टेम्परेचर कितना होगा, 9-10 डिग्री होगा ना, 10 डिग्री टेम्परेचर है बताइए। पुराने पुराने वो लेडीज लोग यार, 60-60 साल की औरतें नीचे बैठी हुई हैं यार। रेलवे को इस सब पे ध्यान देना चाहिए यार, इस तरह से तो कम से कम लोगों को बहुत किचाहीन हो गई है यार इनकी ज़िंदगी। इवन आने जाने वाले लोगों को भी ना बहुत दिक्कत हो रहा है, कितने लोग तो वाशरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, और साफ़ सफाई तो कतई ना है इस ट्रेन का। ये रात को 1 बजे ट्रेन में ही लोग चढ़ के पैसा मांग रहे हैं ज़बरदस्ती उठा उठा के लोगों से। भाई ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी पटना जंक्शन पे, और यहाँ पे मैंने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया क्योंकि दिल्ली से पटना तक आने में मुझे लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जो समय लगा है किसी तरह 16 से 17 घंटा लगा है भाई। बाकी ट्रेन की क्लीननेस की अगर रेटिंग दो तो 0 क्लीनिंग, ट्रेन में क्लीनिंग नहीं है, रंगे खाने वाने नहीं है, पेंट्री कार वाले अपने मन से पैसे मांग रहे हैं। बाकी आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और जो फेयर की थी मैंने फेयर नहीं बताया था आपको, तो 509 रुपये मैंने स्लीपर के लिए पे किया था पटना तक के लिए, और जो मेरा वेटिंग में था तो मैंने दूसरा टिकट लिया था तो उसके लिए 250 रुपये एक्स्ट्रा यानी 750 रुपये मैंने पे किया था। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।